को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, इसी तरह जो है एक और सवाल लोगों ने किया है, अगर कोई चीज़ इंसान रोजी की हालत में देखता है और देखने की वजह से, मतलब ये चीज़ें वो है जो शहवत के ताल्लुक से, शहवत मतलब वो जिंसी ख्वाहिशात के ताल्लुक से, जिसको इंग्लिश में कहेंगे सेक्सुअल डिज़ायर्स के ताल्लुक से, ठीक है, तो ऐसी चीज़ जो देखना नहीं चाहिए था, रोजे की हालत में देख लिया, देखने की वजह से शर्मगाह से कुछ मादा खारिज हो गया, जिसको उर्दू ज़बान में कई अल्फाज से पुकारा जाता है, उसकी अलग अलग कैफियतों के अतबार से, मैं तफसीलात में नहीं जाऊँगा कि जैसे कि मिसाल के तौर पर जो है मज़ी का निकल जाना, वदी का निकल जाना, कॉमन टर्म्स से मतलब शर्मगाह से कोई ऐसे मादे जो मनी नहीं होते हैं लेकिन निकल जाते हैं सोचने से, ख्याल आ जाने, गलती से देख लिया, नहीं देखना चाहे देख लिया, ज़मीन ज़माना हालात आजकल ऐसे चल रहे हैं जिसके अंदर ये चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी, फहाशी, बेहाई, बुराई, बहरहाल देख लिया और कुछ निकल जाए, ये लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी है, जवानों के लिए भी है, सबके लिए, मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए ऐसा कुछ हो जाता है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका गुनाह तो अपनी जगह है, रोज़ा कमज़ोर तो होगा लेकिन रोज़ा टूटेगा नहीं, फासिद नहीं होगा, इसका कोई कफ़ारा नहीं है, इसकी कोई ख़ज़ा नहीं है और इससे रोज़ा टूटता भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं है, याद रखें। ठीक है, इस बात को हम याद रखें, सिवाय इसके कि अगर कोई चीज़ ऐसी देख ले और ख्वाहिशात से देखा और मनी निकल जाए, ठीक है, इजैकुलेशन हो जाए, तब तो उसका रोज़ा गया। ठीक है, आगे उसकी तफसील इंशाल्लाह जाएंगी, इसको क्या क्या करना होगा फिर रोज़ा जब गया तो, वो इंशाल्लाह मैं बाद में रखता हूँ। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोज़ाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।